एमएस वर्ड 2019 के इस क्लास में आपका स्वागत है। और एक स्टूडेंट ने जो है पूछा है मेरे से ब्लॉग पे कि सर अगर एमएस वर्ड पे कोई टेक्स्ट है तो उसको किस प्रकार से हम हाइड करेंगे, हम उसको हिडन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे आप एमएस वर्ड पेज पे आ जाएं, मैंने 2019 वर्ज़न ओपन किया है, आप एमएस वर्ड का कोई वर्ज़न ओपन कर लीजिए, 2019 हो, 16 हो, 13 हो, 10 हो, 2007 हो, कोई भी वर्ज़न आप ऑन कर लीजिए। और उसके बाद से कुछ टेक्स्ट ले लीजिए, तो मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ इक्वल टू। अच्छा, रैंडम टेक्स्ट में होता क्या है कि जैसे आप कितने पैराग्राफ लेना चाहते हैं, अगर आप चार पैराग्राफ लेना चाहते हैं, प्रत्येक पैराग्राफ में कितनी लाइन लेनी चाहते हैं, तो आप कॉमा लगा करके उतने लाइन टाइप कर सकते हैं, 5 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन, जो भी टाइप करेंगे, एक लाइन टाइप करेंगे तो वो एक लाइन ही आएगा, क्लियर है। आप एंटर प्रेस करते हैं और देखें, एक लाइन मतलब एक फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप तक एक लाइन होता है। ये नहीं कि मतलब आप ऐसे काउंट करेंगे कि ये एक लाइन हो गया सर और ये दूसरा लाइन हो गया, बेशक नहीं, फुल स्टॉप के हिसाब से, यहाँ फुल स्टॉप है तो ये पूरा एक लाइन है, इसमें जो है आपका पूरा ये एक लाइन है, एक फुल स्टॉप तक एक लाइन होता है ना। तो आप इस तरह से जो है आप ले लें, मैं जा रहा हूँ और मुझे हालांकि ज़्यादा चाहिए क्योंकि हाइड करना टेक्स्ट को, तो मैं गया और मैंने चार पैराग्राफ ले लिया और प्रत्येक पैराग्राफ में जो है कम से कम तीन तीन लाइन होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया। अब मान लीजिए मुझे जो है इसको मुझे हाइड करना है, सेकेंड पैराग्राफ को मुझे हाइड करना है, तो सिर्फ आपको उसे सेलेक्ट करना होगा, आप इसे जैसे भी सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है, और उसके बाद से आपको प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एफ़, कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ प्रेस करिए, और फिर उसके बाद से जब ये बॉक्स खुल करके आएगा तो इसमें यहाँ पर हिडन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें और फिर इसे आप ऑफ़ कर सकते हैं। आप इस पर जाएँ और इसे ऑफ़ कर दें, जब आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आप पाएंगे कि जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था आपने वो हाइड हो चुका है। अगर आप इसे प्रिंट में भी देखना चाहेंगे तो भी प्रिंट में ये आपको दिखाई नहीं देगा, कंट्रोल पी प्रेस करिए और उसके बाद से प्रिंट प्रीव्यू देखें तो भी आपको यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पर वो है, तो इसमें प्रिंट प्रीव्यू में भी वो चीज़ दिखाई नहीं देता। यदि आप चाहते हैं कि जो है वो मुझे दिखे, लेकिन मैं जो है उस चीज़ को आप नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो छिपे, दिखता रहे लेकिन प्रिंट में शो ना करे, तो मैंने यहाँ पर एक विंडो ओपन किया है इसका। इसे ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना पड़ेगा, और जो शॉर्टकट की है वो है आल्ट प्लस एफ प्लस टी, आल्ट प्लस एफ प्लस टी आपको प्रेस करना पड़ेगा, आल्ट प्लस एफ प्लस टी आपको प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद से जो है जैसे ही आल्ट प्लस एफ प्लस टी ओपन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा, और इसमें जो है आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले ऑप्शन में जा करके, और यहाँ पर आप देखें ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क ऑन द स्क्रीन, इसमें जो है यहाँ एक ऑप्शन है हिडन टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर दें, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप पाएंगे कि जिसको आपने हाइड किया था वो ऑप्शन जो है फिर से आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें चेंजेस कैसे पता चलेगा कि जो है हाइड है और वो ऊपर वाले जो पैराग्राफ वो हाइड नहीं है, तो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि जो हाइड है उसके जो है अंडरलाइन डॉट डॉट अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है, तो इसी से आपको पता चल जा रहा है कि जो मतलब ये लाइन हाइड है। अगर आप कंट्रोल पी प्रेस करें और प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू में जो है दूसरा पैराग्राफ नहीं दिखा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में दूसरा पैराग्राफ नहीं दिखा रहा है। फिर से अगर आप चाह रहे हैं कि जो है जो आपने हिडन किया है वो वापस आ जाए, तो फिर वही आपको जो है मैंने जैसे आपने हिडन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और आपने प्रेस किया था एफ, तो वही आप फिर से प्रेस करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करिए, हटा करके ये जो हिडन दिया उसको हटा करके ओके करेंगे, तब जा करके जो है आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो वहाँ से हट जाएगा। तो यही है, अगर कोई इस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो आप उसको ब्लॉग पर मेरे कमेंट कर सकते हैं, टाइम मिलने पर मैं उसकी आंसर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।